एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कर देना और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सॉरी वीडियो को नहीं चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग अपना मेकअप शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और भी, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेकअप शुरू करने से पहले हम अपना स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेसियो जेल का लोशन, जो कि फेस को मेरे अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देगा। तो मैं इसको अपनी स्किन में अच्छे से लगा रही हूँ ताकि ये मेरी स्किन जो है मॉइस्चराइज़ को ऑब्जर्व कर ले, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, मैं लगा रही हूँ मेरा स्विस ब्यूटी का प्राइमर। इसका मैंने एक दो पंप मेरे लिए इनफ है मेरे पूरे फेस के लिए। इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से चेक्स पे, चिन में, फोरहेड, सारी जगह अच्छे से लगा लूँगी और इसको जेंटली मसाज करूँगी। इससे हमारे स्किन के जो सारे ओपन पोर्स है वो सारे क्लोज हो जाएंगे ताकि फाउंडेशन भी अच्छे से लग सके। फेस को अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद मैं कर रही हूँ फॉर एवर 52 का फाउंडेशन अपना यूज़। और इसके भी मेरे लिए एक या दो पंप काफ़ी होते हैं। इसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से इस तरीके से लगा लिया है, पूरे स्किन पे अच्छे से लगा लिया, फेस पे कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी, अंडर आइज़ के नीचे, फोर हेड, चिन अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको जेंटली डैप करना है, डैप 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 करते रहो अच्छे से। और अपना जो ब्लेंडर है उसको आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैंने वेट कर लिया था इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से और जेंटली डैप कर पा रही हूँ। इससे आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इजीली ब्लेंड हो जाएगा। और जितना हो सके उतना अच्छे से ब्लेंड करते रहिए जब तक ये प्रॉपर ब्लेंड ना हो जाए। तो मैंने एक और पंप लिया है क्योंकि मुझे कवरेज थोड़ा कम लगा, तो मैंने एक पंप और ले लिया। इससे अपने अंडर आई मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा अपनी अंडर आई पे यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मुझे फुल कवरेज दें। तो इसको अच्छे से मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तब तक ब्लेंड कर रही हूँ जब तक ये अच्छे से हो ना जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये इनफ है। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं अपने आईब्रो सेट कर रही हूँ। आईब्रो सेट करने के लिए मेरा स्विस ब्यूटी का जो पैलेट है उसमें जो जेल होती है उससे मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी स्पूली से, और दोनों आईब्रोज़ को इसी तरीके से मैं सेट कर लूँगी। स्पूली से सेट करने के बाद मैंने अपना जो मेरा जेल आईलाइनर है उसमें से जो ब्राउन शेड होता है वो उससे मैं अपने आईब्रोज मोस्टली बनाती हूँ। ये अभी दिखने में थोड़ा डार्क लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइन मारी हो, बट ये होली होली सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा लाइट भी कर दूँगी मैं। तो इस तरीके से मैं अपने आईब्रोज बनाती हूँ और जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़े से डार्क आईब्रोज पसंद हैं, ज़्यादा अगर आप डार्क करोगे तो वो थोड़े से नकली से लगते हैं, बट ये भी आप देखना कि ये बहुत सटल लगने लग जाएंगे। पहले मैं इस तरीके से इनको शेप देती हूँ, उसके बाद अंदर से हल्का हल्का ऐसे फील करती हूँ। सेम यही प्रोसेस मैं अपनी सेकंड आईब्रो में भी करूँगी और ये आप देख लो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये प्रॉपर बने नहीं है, इसको सिर्फ अभी मैंने शेप दी हुई है, अभी इसको प्रॉपर मैं करूँगी, वो आप नेक्स्ट स्टेप में देखना। ये मेरे सेकंड आईब्रो भी हो रहा है, तो ये सेकंड आईब्रो भी मेरा हो गया। और जो पैलेट मैंने पकड़ा हुआ है सेम इसी पैलेट में ब्राउन शेड है जिससे मैं आईब्रोज़ के अंदर अच्छे से फील करी हूँ। जो फ्रंट एरिया होता है आईब्रो का उस पर आप ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो वो नकली लगने लगता है। फ्रंट से थोड़ा लाइट और पीछे से थोड़ा सा डार्क। मैं इस तरीके से अपने आईब्रोज़ बनाती हूँ। आईब्रोज बनाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर अपनी आईलेट पर, ताकि जो मेरी जो ब्लैकनेस है आइज़ की वो सारी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं इस कंसीलर को अपने पहले मतलब आई शेडो बेस लगाने से पहले इसको अच्छे से कंसील कर रही हूँ ताकि कोई ब्लैकनेस ना रहे। इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है और ये थोड़ा मुझे कवरेज दे देता है। इतना कवरेज मेरे लिए इनफ है। इसको अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ अपने आई शेडो। आई शेडो के लिए मैंने पहले ये ऑफ वाइट मतलब क्रीम सा शेड है जो बेसिक शेड है
वो मैंने लिया है। इसको मैं अपनी आईलेट के ऊपर अच्छे से लगाऊंगी ताकि मुझे एक अच्छा सा बेस मिल जाए आई मेकअप करने के लिए। आई मेकअप कुछ हैवी नहीं करूंगी, सिंपल सटल लुक है, सो इसलिए इस शेड को मैंने यूज़ किया है फॉर बेस। तो इससे अच्छा मतलब मेरा जो आईज़ है बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मतलब नीट एंड क्लीन लगेंगी, कोई डार्कनेस नहीं लगेगी आईज़ में, वो फुल आईज़ ये मुझे शेडो फुल आईज़ कवरेज दे देगा। सो इसको इसी तरीके से बस अच्छे से ब्लेंड करना है। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लाइट ऑरेंज शेड है, जो मतलब एक बेसिक शेड है, हर किसी आउटफिट के साथ आपके चल जाएगा। मतलब आप देख लीजिएगा ये मेकअप मेरा जो मैं अभी करूँगी, आप हर किसी ड्रेस के साथ आपके चलेगा। सो मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत जेंटली बहुत हल्के हाथ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत हार्डली कर रही हूँ, बहुत जेंटली और सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जितना हो सके उतना अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मुझे और अच्छा सा मतलब लुक मिल जाए। तो ये मेरे को आई थिंक इनफ है। सो सेकंड मैंने नेक्स्ट पैलेट से लिया है एक बेबी पिंक कलर का ग्लिटर शेड, जो इसको मैंने अपनी आईलिट के ऊपर लगा दिया है, मतलब सेंटर बॉल्स पे लगाए हैं, और ये इतना अच्छा ग्लो करेगा। सिर्फ इसको मैं बॉल्स पे ही लगा रही हूँ, आई बॉल्स पे, मतलब ऊपर वाली आई बॉल्स पे। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसका ग्लो बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने फिंगर से ही लगाया, फिंगर से मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं डन मेरा आईज़। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, जो आईलाइनर है मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट इतना परफेक्ट है ना ये आईलाइनर, मुझे बहुत पसंद है। सो इसमें आईलाइनर जो है मैं वो विंग आईलाइनर बनाऊंगी थोड़ा सा। सो इस तरीके से मैं आईलाइनर बनाती हूँ, मतलब आईलाइनर मैं इजीली लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट है। सो मैंने पहले स्टार्टिंग में मतलब इनर कॉर्नर्स किए, उसके बाद आईलाइनर को पीछे से लाइन विंग बना दिए, और मेरे हिसाब से ये लाइनर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी आंखों पे और बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मैंने सेम दूसरी आईज़ पे भी किया है, तो मेरी दोनों आईज़ आई थिंक कंप्लीट हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो टचअप देना होता है आईलाइनर का वो मैं नेक्स्ट में दे देती हूँ। और ये पीछे कान खेल रहा है तो उसको मैंने टॉय दे दिया है, वो बिज़ी है अपना खेलने में, और मेरा यहाँ पर मैं इसको आईलाइनर को सुखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गीला होगा तो ऊपर लग जाएगा। सो नेक्स्ट फाउंडेशन तो मैंने लगा लिया था, सो मैं अपनी अंडर आई के नीचे सिर्फ ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे मेरे डार्क एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे मैंने ये कंसीलर लगाया है ताकि मुझे एक ब्राइट सा मतलब जहाँ मुझे ब्राइट चाहिए हाईलाइट चाहिए जो चीज़ें वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगी। सो जो कंसीलर मैंने लगाया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। जितना आप अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा, सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको मैं अपने जो भी मेरे एरिया जहाँ जहाँ मैंने फाउंडेशन वो सॉरी कंसीलर लगाया था वहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो अब मैं कर रही हूँ बेकिंग। बेकिंग के लिए मैंने लिया था स्टे क्विकी का लूज़ पाउडर, और ये लूज़ पाउडर बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ मैंने अब कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ मैंने बेकिंग कर दी है, और इसको थोड़े देर रहने देना पड़ता है। सो इसलिए मैं कर रही हूँ अपना कंटोरिंग। कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का पैलेट, जिस पर मेरी लगी हैं फेक लैशेज़। सो सबसे पहले मैं करूँगी मेरा नोज कंटोर। नोज कंटोरिंग करके आपके फेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है, मुझे नोज कंटोरिंग बहुत अच्छी लगती है। सो जो नोज़ के साइड्स हैं उसको मैं अच्छे से कंटोर कर रही हूँ, सेंटर से भी अच्छे से कंटोर कर दूँगी, और ये नोज़ थोड़ी सी शार्प लगने लग जाती है, मतलब बहुत अच्छी शेप आ जाती है नोज़ की, सी आ रही है ना। सो अब मैं कर रही हूँ अपने जॉ लाइन्स की मतलब ये कंटोरिंग, और जो कंटोरिंग है वो आप अपने ईयर्स नहीं है जहाँ जिस साइड्स उधर से आप स्टार्ट करते हैं अपनी कंटोरिंग। तो इस तरीके से मैं अपनी कंटोरिंग कर रही हूँ, उसके बाद फोरहेड जो लाइन सारी जगह मैं अच्छे से कंटोरिंग कर लूँगी ताकि मेरे फेस को एक अच्छा सा शेप मिल जाए। सो जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था फॉर बेकिंग उसको मैं एक फ्लफ़ी से ब्रश के साथ रिमूव कर रही हूँ। इससे क्या है कि जो भी आपका कंसीलर था वो अच्छे से बेक हो गया है। सो इसके बाद मैंने ब्लेंडर से इसको रिमूव करी ताकि कुछ भी मतलब लूज़ पाउडर रहे ना फेस पे।
तो इस तरीके से मैंने अच्छे से लूज पाउडर रिमूव कर दिया है। सो नेक्स्ट मैं सेम शुगर के पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है अपने नोज़ हाइलाइट करने के लिए। इसका हाइलाइटर है जो बहुत अच्छा ग्लो देता है, शुगर का हाइलाइटर है। सो इसको मैंने अपने नोज़ पे, चिन में, अपर लिप्स पे अच्छे से लगा लिया, जिससे कि मेरा फेस है जो अच्छे से ग्लो करेगा। आईब्रोज के नीचे भी लगा लिया है और ये बहुत अच्छे से हाइलाइट करेगा इनर कॉर्नर्स पे आईज के। सो इस तरीके से मेरे को जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत है हाइलाइटर की, मैंने वो लगा लिया है। सो पीछे क्या अपना बिजी है खेलने में। सो यहाँ नेक्स्ट मैं कर रही हूँ अपने आईलैशेस कर्लर से, आईलैशेस अपने कर्ल कर रही हूँ थोड़े से। इससे हमारे आईलैशेस होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैं फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन में मेरे को नहीं ज़रूरत है कि मैं फॉल्स लैशेज यूज़ करूँ। वो आपकी चॉइस अगर आप करना चाहते हो। सो लैशेस कर्ल करने के बाद मैंने मेबलिन का लगा लिया है मस्कारा, जिससे कि मेरी आईलैशेस को थोड़ा वॉल्यूम मिल जाएगा। सी थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसके मैं ये फर्स्ट कोट है जो मैं अपने लैशेस पर अच्छे से लगा लूँगी, उसके बाद सेम है सेकेंड लैशेस पर भी। सो मस्कारा लगाने के बाद मैं अपने अंडर आई के नीचे डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी, जिससे कि मेरी आईज़ को थोड़ा सा मतलब इसकी लुक और अच्छी हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से अपने दोनों अंडर आईज़ के नीचे ये ब्राउन शेड लगाया, उसके बाद मैंने ऑरेंज शेड इसमें मिक्स करके लगाया है, ताकि ये थोड़ा सा मेरे को अलग सा लुक दे। और आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है जब मैंने पहले नहीं लगाया था और अब लगाया। सो इसके बाद मैंने ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया वाइट काजल जो कि है मियोन का। और ये मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकती कि कुछ खास है, अच्छा है, क्योंकि मुझे काफ़ी बार लगाने के बाद मुझे थोड़ा वाइट, प्रॉपर वाइट मिलता है। सो बट मैंने कैसे भी एडजस्ट करके थोड़ा वाइट अपना ये काजल लगाया, और इससे आपकी आईज़ इतनी अच्छी लगेंगी, मतलब डोल जैसी लगती है आपकी आईज़ जब आप वाइट लाइनर या मतलब वाइट काजल लगाते हो। सो वाइट काजल लगाने के बाद मैंने मस्कारा है जो अपनी नीचे वाली आईलैशेस पर भी लगाया, इससे आपकी आईज़ एकदम ही चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप अपनी आईज़ के आईलैशेस नीचे वाली आईलैशेस पे भी मस्कारा लगाते हो, सी कितना चेंज, कितना डिफरेंस आता है। सो नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लशर, सेम पैलेट शुगर के पैलेट से ही यूज़ कर रही हूँ मैं। सो ये ब्लशर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ब्लशर लगाना मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब ब्लशर इज़ माय फेवरेट पार्ट, जैसे कि मैंने हर बार बोला ही हुआ है। तो ब्लशर लगा के पूरी लुक चेंज होती है, नेक्स्ट सी दिस ग्लो। सो ये सेम शुगर के पैलेट से ही मैंने हाइलाइटर लिया है, एंड ये ग्लो इतना अच्छा ग्लो करता है, वो आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा ग्लो करा है जब मैं अपनी साइड्स दिखाती हूँ सी। सो ये काफ़ी अच्छा ग्लो मुझे मिल गया है चीक्स पर, चेन पे। सो अब नेक्स्ट रहेगी ये जो लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैंने ये लोकल मार्केट से पेंसिल ली थी, लिप पेंसिल, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी है, नहीं मेरे ख्याल से स्विस ब्यूटी की है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी है ये लिप पेंसिल। तो इससे पहले मैं अपने जो लिप्स है उसको शेप दे रही हूँ। सो इसको मैंने अपने लिप्स को अच्छे से इस लिप पेंसिल से शेप दे दी है। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा के दो लिप शेड्स। सो मैं आपको बता दूँ कि ये दो लिप शेड है कौन से। सो जो एक शेड है वो है नेचुरल अर्थ 15, एंड जो सेकंड शेड है वो है रेड फेरी 23। ये दोनों फेसेस कैनेडा के हैं और इतनी अच्छी लिपस्टिक है, इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं। मैंने एक्चुअली ये दोनों लिपस्टिक हैं ये दोनों मिक्स करके लगाई है। सो पहले मैं हल्का हल्के हाथों से लगा रही थी, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा डार्क किया, उसके बाद नेक्स्ट लिपस्टिक है जिसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया, जिससे थोड़ा सा लिपस्टिक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, सी बहुत प्यारा लग रहा है। सो नेक्स्ट अब मैं चेंज कर आती हूँ फुल अपना हेयर करके। सो टेंटेन है, मैं आ गई हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा। मैंने पाया वाइट कलर की कुर्ती, उसके साथ लिया है रेड कलर का दुपट्टा, एंड सिल्वर कलर की बिंदी मैंने ऐड की है, एंड थोड़ा सा मैंने ये ज्वेलरी वगैरह डाल ली है, थोड़ा इंडियन लुक मतलब अच्छा लगता है ज्वेलरी वगैरह डाल के। एंड हेयर्स मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ कर्ल्स डाले हुए हैं, वो भी फ्रंट फ्रंट में मैंने हेयर्स कर्ल्स डाले हुए हैं। So yeah,
आई एम डन विद माई राखी मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वेरी सिंपल एंड सटल लुक, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा जो भी मेन मेकअप में होता है बस वो ही किया है। एंड इस टाइम ये है कि गर्मियाँ बहुत होती है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बस सिंपल सा कुछ ये मेकअप लुक है और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पीछे आपको आवाज़ आ रही है, मेरे बेटे की आवाज़ है जो पीछे से भी मुझे बुला रहा है, आई मैम बेटा। सो गर्मी लगी है तो अपने हेयर को टाई भी कर लो, और ये इतना प्रीटी लगेगा। मैंने हेयर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस फ्रंट से थोड़े थोड़े कर्ल कर दिए। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेकअप लुक जो कि आप अपने रक्षाबंधन में मतलब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एक मिनट। सो या बाबा, मुझे मेरा बेटू मुझे बुला रहा था तो मैंने सोचा इसको भी ले आऊँ मेरी मेकअप वीडियो में। एंड ये क्या कर दिया बेटू सारा, शे हाय हाय बोल दो, और बोल दो मम्मा का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिन टिन, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूँ देख क्या रहा है, मैंने ना एक्चुअली पर्दा पीछे करने के लिए ये गुड्डा रखा था, तो ये इसको देख रहा है। ऐसा लग रहा है ना दोनों भाई भाई हैं। ये आपका भाई है? हाँ बेटू, ये आपका भाई है, बताओ या। सो आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने इंजॉय किया हो ये वीडियो, सो बाय बाय, टेक केयर।